IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, कि मतलब मेल से जो मेल होता है उसे स्पर्म एंड फीमेल से ओम दोनों की गैमेट को लिया जाता है लैब में, मतलब बॉडी से बाहर इनको मिलाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से दोनों को छोड़ दिया जाता है, इनके बीच फर्टिलाइजेशन होता है एंड भ्रूण बनता है, ठीक है, जायगोट एंड उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, फिर उस भ्रूण को 4 to 5 days में कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल की बॉडी में, मतलब गर्भाशय में। तो ये एक टेक्निक है एक तरीके से प्रेग्नेंट होने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जब इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कभी कभी क्या करते हैं, अगर मेल में जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो क्या करते हैं कि जो ओवम है उसके अंदर डायरेक्टली क्या किया जाता है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोप से इनको बड़ा करके देखा जाता है, तो ये होता है ICSI।